हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं चैप्टर 5 क्लास 10 का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है कि अभी हम लोग को 118 एलिमेंट्स पता है, नोन है, मतलब है, उसमें से 94 नेचुरल हमको मिलता है, मतलब प्राकृतिक रूप से हमको 94 एलिमेंट्स मिलते हैं, बाकी जो है वो कृत्रिम एलिमेंट्स हैं। लेकिन पहले क्या था, एलिमेंट्स बहुत कम हुआ करते थे, उनकी क्लासिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, हम ऐसे ही उसको स्टडी कर लेते, जैसे 10 हुए, 12 हुए, 10, 20 हुए, 25 हुए, 30 हुए। लेकिन जैसे 60 के ऊपर एलिमेंट्स आ गए तो साइंटिस्ट को उसको स्टडी करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को, केमिकल फिजिकली प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए बहुत दिक्कतें आने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से क्लासिफिकेशन शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया वो एलिमेंट का, वो है डोवी राइनर ने। तो डोवी राइनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने तीन एलिमेंट्स का एक सेट बनाया और इसको हम कहते हैं डोवी राइनर ट्रायड सिस्टम, है ना, डोवे राइनर का त्रिक नियम। अब इन डोवे राइनर ने क्या बताया कि उन्होंने तीन का एक सेट बनाया और कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है उसका जब एटॉमिक जैसे हमने इसमें एटॉमिक नंबर का कोई था नहीं, एटॉमिक मास, जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है उसको जब हम ऐड करते हैं और उसका हम एवरेज निकालते हैं, जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तीन एलिमेंट का सेट बनाया, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये एक तीन एक सेट है, एलिमेंट का सेट है। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट एंड द लास्ट एलिमेंट मींस द थर्ड एलिमेंट उसका एटॉमिक मास हम अगर ऐड करके उसका क्या निकाले, ऐड करके हम उसका क्या एवरेज निकालते हैं, तो थर्ड का, बीच वाले का, मिडिल वाले का हम बता सकते हैं कि एटॉमिक मास उसका क्या है। तो ये हमको जैसे मालूम है लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और इसका एटॉमिक मास जो हम कहेंगे वो है 7 अगर हम देखें, और इसका होता है 39। दोनों को हम ऐड करते हैं, 39 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 23। तो हमको मालूम है कि जो सोडियम है उसका एटॉमिक मास जो होगा वो 23 है। तो उन्होंने इस तरह से तीन एलिमेंट का सेट दिया। ट्रिक का मतलब होता है 3 और ट्रायड्स मींस 3, तो इट इज अ सेट्स ऑफ 3 सिमिलर एलिमेंट। डोवे राइनर ने तीन एलिमेंट का एक सेट बनाया, लेकिन ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि इस तरह से करने पर हमको ऐसा नहीं है कि जो बीच वाला है उसका एग्जैक्ट हमको एटॉमिक नंबर ही या एटॉमिक मास ही पता चले। तो कभी कभी एटॉमिक मास में क्या होता है, थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, तो ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। नेक्स्ट है हमारे न्यूलैंड, उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास उन्होंने रखा और कहा, जैसे सरगम के 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी फिर सा आता है, तो उसी तरह से उन्होंने एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास उन्होंने उसको प्लेस किया और देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो 8th एलिमेंट है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो उन्होंने किस तरह से, तो हमारा न्यूलैंड, इसको इस लॉ को हम कहते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। अब देखिए ऑक्टेव का मतलब होता है ऑक्ट मतलब होता है 8। तो उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट को जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन, और जो 8th एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम।
तो उन्होंने ये बताया कि न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ के अनुसार जो फर्स्ट एलिमेंट एंड द एट एलिमेंट दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. तो उन्होंने जैसे अरेंज किया फर्स्ट कॉल फॉर एग्जांपल उस टाइम पे नोबल गैस नहीं डिस्कवर हुए थे तो इसी के हिसाब से हम रखेंगे हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. सी 1 2 3 4 5 6 7 ओके नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन देन फ्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस एंड सल्फर. इस तरह से उन्होंने पूरा अरेंज किया और देखा कि इनकी प्रॉपर्टी जैसे लिथियम की प्रॉपर्टी सेम होती है सोडियम से बेरिलियम की मैग्नीशियम से सेम थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टी बोरॉन की एल्यूमिनियम से सेम प्रॉपर्टी कार्बन की सिलिकॉन से सेम प्रॉपर्टी नाइट्रोजन की फॉस्फरस से सेम प्रॉपर्टी ऑक्सीजन के साथ सल्फर की प्रॉपर्टी कुछ लगभग सेम होती है. लेकिन ये जो है ये आपका न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ ये केवल कैल्शियम तक अप्लाई है एप्लीकेबल है. उसके बाद जब हम इसको अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जब हम अरेंज करते हैं एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती है क्योंकि आफ्टर जो है आपका कैल्शियम ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स के साथ हम जब रखते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी. तो इसीलिए न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ इट इज नॉट सक्सेसफुल इट इज अप टू कैल्शियम इट इज एप्लीकेबल. तो इसके बाद जो है इस टाइम पे जब न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ आया था या उनके उस टाइम पे ओनली 56 एलिमेंट्स आर नोन तो ये इसमें भी इस न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ जो है वो सक्सेसफुल नहीं है. इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. इस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन जस्ट बताया कि एलिमेंट को कैसे क्लासिफिकेशन हमने शुरू किया. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेंडलीव क्लासिफिकेशन या लॉ और क्लासिफिकेशन दोनों बताऊंगी. थैंक यू.